साथियों, बीते 5 साल में बीजेपी ने मणिपुर में स्पोर्ट्स के कल्चर को और अधिक समृद्ध किया ही है। इसके साथ साथ स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है। बीरेन सिंह जी के भीतर जो स्पोर्ट्स पर्सन है उससे भी इसमें बहुत मदद मिल रही है। मणिपुर तो मैरीकॉम और मीराबाई चानू जैसे करिश्माई खिलाड़ियों की धरती है। मणिपुर में जो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वो इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल हब बनाएगी। बीजेपी सरकार पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स टैलेंट को प्रोत्साहित कर रही है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रही है और आपने देखा होगा ऐसे ही माहौल के कारण ओलंपिक्स में भारत ने इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भाई और बहनों, हमारे जनजातीय समाज का आजादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा है। बीजेपी सरकार ने इस योगदान को भी सम्मान दिया है। हमारी सरकार ने हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इसमें मणिपुर की हर जनजाति का भी गौरव है, उसकी पहचान का गौरव है। हमारी सरकार मणिपुर में रानी गाइदिनल्यू इनके नाम पर आजादी के जंग का एक म्यूजियम भी बना रही है। मणिपुर में इनर लाइन परमिट की लंबे समय से चल रही मांग को भी बीजेपी सरकार ने पूरा किया है।